दुर्ग के अंजोरा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते युवक ने एक महिला पर उस्तुरा से वार कर प्राणघातक हमला कर खुद भी जहर खा लिया। एक पुराने मामले के केस को वापस लेने के नाम पर आरोपी युवक दिनेश वर्मा द्वारा महिला को दबाव बनाने के साथ गाली गलौज कर मोहिनी देशमुख जो कि अंजोरा निवासी है इसको उस्तुरा से वार कर प्राणघातक हमला कर दिया और खुद भी जहर खा लिया। जैसे ही इस घटना की जानकारी अंजोरा पुलिस को मिली तो मौके पर अंजोरा चौकी प्रभारी राम नारायण ध्रुव के नेतृत्व में पुलिस की टीम पहुंची और दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाकर भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी दिनेश वर्मा के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच में ले लिया है। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने बताया कि आबादी पारा डेंटल कॉलेज के पीछे चौकी अंजोरा निवासी मोहिनी देशमुख के घर के पास ही आरोपी दिनेश वर्मा रहता है। दोनों ही शादीशुदा हैं। मोहिनी एवं दिनेश वर्मा वेटनरी कॉलेज में एक साथ काम करते थे और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे। कुछ महीने पहले ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया और बातचीत बंद हो गई। इस पर आरोपी दिनेश वर्मा दो बार मोहिनी देशमुख का रास्ता रोककर उसके साथ गाली गलौज कर विवाद करने लगा। मोहिनी इसकी शिकायत अंजोरा चौकी में कर चुकी थी। फिर शनिवार की सुबह आरोपी दिनेश वर्मा मोहिनी देशमुख के घर आया और उसे दबाव बनाने का लगा वह अपना केस वापस ले ले। जब मोहिनी देशमुख ने कहा कि उसका पति घर पर नहीं है, जब वह घर आ जाएंगे तब मैं उनसे चर्चा करूंगी। ये सुनकर आरोपी गुस्से में आ गया और कमरे का दरवाजा बंद कर मोहिनी के साथ मारपीट करते हुए ब्लेड वाले उस्तरा से वार कर दिया। इससे मोहिनी को गंभीर चोटें आई है। इसके बाद दिनेश वर्मा एक रस्सी से मोहिनी का गला बांधकर दबाने का प्रयास किया। शोर शराबा सुनकर घर वाले पहुंचे और किसी तरह दरवाजे को तोड़ा। इस दौरान आरोपी दिनेश वर्मा ने एक सफेद पुड़िया में रखा जहर नुमा पदार्थ का सेवन कर लिया। इस मामले में अंजोरा चौकी प्रभारी राम नारायण ध्रुव ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की सूचना मिली तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है और मामले की जांच की जा रही है। इस संबंध में महिला के देवर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। घटना ये है, पुराना बात विवाद को लेकर घटना है। जैसे कि इन लोग का एक ही जगह काम करते थे, जैसे भी यह बात विवाद हो रहा था तो पुराना केस है, उस केस को ना कॉम्प्रोमाइज के लिए इनको टॉर्चर किया जा रहा था। ये जो लेडीज है उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, उनके ऑफिस में जाना, मारपीट करना, गाली गलौज, हाथापाई कुछ भी करते थे। क्या नाम है उनके? दिनेश वर्मा। कि कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, तो भाई आप केस किए हो तो कैसे कॉम्प्रोमाइज होगा? अगर आज कॉम्प्रोमाइज कर दिया, कल के डेट में मर्डर कर दिया, तब जो विवाद आज हुआ है, मर्डर की नौबत आ गई, तो वो पुराना उनका मैटर है, पहले का कि मारपीट विवाद है, ऐसा है वैसा है, ऐसे टाइप का। अभी चाह रहे हैं कि जो कुछ भी है फाइनल हो जाए, या तो जो दोषी है उसको मिल जाए सजा, ऐसे सोच है हमारी। और ये है कि बात 5 से 6 बार केस हो चुका है तो पुलिस वाले को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कुछ बात विवाद हो रहा है तो थोड़ा धारा भी सोच के लगाए, तो इन कावन लगा रहे हैं और कुछ लगा रहे हैं, ये सब तो नॉर्मली बात है कि जैसे किसी को मार देते हैं थोड़ा सा ब्लड आ जाता है, ये वाला धारा लगा। दिनेश वर्मा कहाँ का रहने वाले? ये अंजोरा के ही रहने वाले हैं और घर से करीब 100 मीटर के दूरी में रहते हैं, ज्यादा दूर में। मेरा नाम केकेश्वर देशमुख है, मैं पेशेंट की देवर हूँ, वो मेरी भाभी लगती है। थाने की गलतियाँ तो ये तो नहीं बोल सकता मैं आत्मनिर्भर, लेकिन ये है जो लापरवाही है कि बार बार सूचना देने के बाद भी ये जो दोषी है वो खुलेआम घूम रहे हैं अस्तुरा लेके। एक बार तो इतना बड़ा फरसा तलवार लेके मतलब मारने की धमकी दी गई थी, तो उनके घर से ना उनको जब्त करवाए गए थे थाने में अंजोरा पुलिस। पुलिस की लापरवाही क्या बोले सर, वो तो केस करेंगे, केस करेंगे कोर्ट से, फिर से जमानत हो जाएगी। ये है लापरवाही कि परिवार को सोचना चाहिए और हमें भी सोचना चाहिए, हम तो कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हैं। तो उनका कहना ये था मेरी भाभी का कि तुम अगर कॉम्प्रोमाइज के लिए चाहते हो तो मेरे पति अभी नहीं है, तो आप बाद में आना। तो बाद में नहीं आके ताला कुंडी लगा दिए, अस्तुरा से मारना चालू कर दिए, गले से मतलब ना रस्सी से गले दबाना चालू कर दिए। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।